आप देख पा रहे हैं इस अपनी स्क्रीन पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स कौन होंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले पर्सन्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से आप देख लीजिए जो ऑब्जर्वर्स होंगे वे वाइस प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी टीचर्स फ्रॉम अफिलेटेड स्कूल्स हो सकते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट और सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर ही करेंगे। इसलिए वेट कीजिए जब तक आपको यह ना बताया जाए कि आप ऑब्जर्वर के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं या फिर आपको अपॉइंट किया गया है, तब तक आप एक नॉर्मल स्कूल के टीचर ही रहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 12 नवंबर 2021 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है, उसका क्या एक्टिविटी शेड्यूल ऑब्जर्वर के लिए रहेगा उसको मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आप देखकर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से आपका क्या क्या काम होगा, क्योंकि आप इन्हीं से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये जो काम करेंगे वो आपके लिए ही करेंगे। इसलिए याद करके रखिएगा क्या काम है। 9:30 से 10:20 तक, 10:30 नहीं 10:20 तक के बीच में प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शन जो होगा वो सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वर बताएगा, ठीक है। उसके बाद में 8:30 से 9:30 के बीच में अटेंडेंस रजिस्टर रिकॉर्ड करेगा सारे चीज़। आपको कंट्रोल शीट के बारे में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की मदद से समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10:20 में आपको अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट दिया जाएगा, ठीक है, कंट्रोल शीट में जिस तरह से नाम लिखा रहेगा उसके तहत, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ऑब्जर्वर जो है उसी की तरह फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है उनका भी कुछ दायित्व रहेगा। सबसे ज़्यादा दायित्व किसका है ऐसा कह पाना उचित नहीं होगा, सभी का एक जिम्मेदारी रहेगा इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 को सक्सेस करने के लिए। देख लीजिए दोनों मिलकर फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर मिलकर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन को सही से दिलाने में। देख लीजिए सारे जो जो काम हैं इनके बता दिए गए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। बस आपको केवल याद रखना है कि आप जब आएंगे उस समय क्या क्या आपके साथ होने वाला है। 9:30 बजे देख लीजिए, 8:30 से 9:30 के बीच में अटेंडेंस, उसके अंदर सारे चीज़ समझा दिए जाएंगे। 9:30 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो चीज़ बताया जाएगा। 10:20 से 10:30 के बीच में क्वेश्चन जो है आपको बुकलेट दे दिया जाएगा। उसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक 3 एंड 5 का, 10:30 से 12:30 बजे के बीच में 8 और 10 के बच्चों का शुरू हो जाएगा एग्जामिनेशन, इन्विजिलेशन ड्यूटी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में वो एमआर शीट कलेक्ट कर लेना है, करने के बाद में फिर 12:30 से 3 और 5 को पीक्यू दिया जाएगा पीपल क्वेश्चनियर, और 12:45 से 8 और 10 वाले को पीक्यू दिया जाएगा, ठीक है। फिर 1 से 1:45 के बीच में सारे UMR अचीवमेंट टेस्ट पीपल क्वेश्चनियर स्कूल क्वेश्चनियर टीचर क्वेश्चनियर कंट्रोल शीट सारे को एक साथ में पैक करके जमा किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको जस्ट जानकारी देने के लिए मैंने बता दिया है, आप समझ के रखिए, आपको सुविधा होगी।